आप सभी है। आई होप अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्लीज आप सभी चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और आप कहाँ से देख रहे हो, प्लीज किस जगह से हो ये भी कमेंट कीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक और कहाँ के लोग वॉच करते हैं। तो अभी हमारा हो चुका है खाना पीना, सब कुछ मॉर्निंग का काम स्टार्ट, क्योंकि खाना पीना तो मैंने बना लिया था। तो फिर यहाँ पे किचन वगैरह साफ कर रही थी क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड अपने काम पे भी जा चुके हैं और बाकी सो रहा है छोटा। तो मैंने किचन में अपना क्लीनिंग का काम कर ली थी और चूहे चूहे इतना ज़्यादा गंदगी फैला दिए हैं कि यहाँ पे सब कुछ देखना पड़ता है। कभी कभी ना तो कुछ कपड़े वगैरह सब कुछ चूहे लेके चले जाते हैं नीचे। यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा उड़ा कर दिए थे, डीप क्लीनिंग करनी है रूम की, लेकिन किसी दिन देखते हैं जिस दिन टाइम होगा तो मैं जरूर करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है कमरा, तो बस टाइम निकालूंगी किसी दिन। बस ऐसे नॉर्मली हल्का हल्का साफ करूँ तो रूम में झाड़ू तो रोजाना ही लगाना पड़ता है। हम लोग का सुबह एक बार मॉर्निंग में लगाओ, उसके बाद फिर खाना बनाने के बाद जो किचन साफ करते हैं, तो क्योंकि हमारा किचन नहीं बनाऊंगी खाना बनाती हूँ तो यहाँ पर लगा लेती हूँ, पोछा लगाऊंगी, उसके बाद फिर ये कूड़ा सूड़ा सब बाहर कर दूंगी मैं। बस बने रहिएगा आप लोग और आगे क्या क्या करती हूँ सब कुछ आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ, बने रहिएगा दोस्तों। और धूप इतनी ज़्यादा कड़क है कि पूछो ही मत। तो बस अभी मैं कूड़ा उड़ा उठा के फेंक देती हूँ, उसके बाद फिर चलती हूँ दूसरे रूम में क्योंकि वहाँ भी कुछ काम फैला हुआ है, तो वहाँ भी देखती हूँ क्या क्या करना है। अभी हालत ख़राब हो जाती है दिन भर काम करते करते, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। बस ये मेरा काम हो चुका है, चलो ले चलती हूँ आप लोग को दूसरे रूम में। ये है चावल आया हुआ था, जो राशन मिलता है ना वो चावल, जिसको अभी मुझे रखना है बाल्टी में। बाल्टी अभी धूप में रखी है, सूखा नहीं है, इसलिए यहाँ पे रख दियो नहीं तो चूहे कुतर डालेंगे। तो फाइनली हम आ गए हैं इस रूम में और यहाँ पे बाबू का पेपर हो रहा है, तो कोचिंग जाता है ना तो बैग में जो भी रहता है अपना सब कुछ कॉपी किताब सब निकाल के रख देता है, और बस बिस्तर वगैरह सब कुछ ऐसे जैसे तैसे फैला हुआ था उसको सब कुछ समेटना है हमें, रखना है। तो यहाँ पे चल रही हूँ मैं सब काम करने के लिए, सब कुछ रख दो अभी फिर से आएगा बाबू तो फिर उसको ले जाना होगा अपना पढ़ाई करने के लिए। चलो आप लोग बने रहिएगा, मैं अपना काम निपटाती हूँ। और ये देख सकते हो बाबू किस तरह से सो रहा है, देख सकते हो ऐसे कौन सोता है भाई। तो यहाँ पे बाबू सो रहा था और बाबू को सोते देख के मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन क्या करें
मैंने सोचा अभी उठा देंगे ना फिर मेरा काम रह जाए, क्योंकि अभी मुझे कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं। फिर मैंने कहा नहीं, पहले मैं काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर करती हूँ। लेकिन एक काम मुझे याद आया जो कि मैं भूल गई थी, मैंने सोचा बस अब ही उसको मैं करती हूँ। वो काम क्या है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए गेहूँ कल मैंने वाश किया था, ये रखा हुआ है, इसको भी मुझे धूप में डालना है। बस ये भी मैं काम निपटा लेती हूँ। Thank you.